हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लर्नमोल मोबाइल ऐप के थ्रू अपने इनरोल्ड कोर्सेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए मैं नीचे दिए गए साइन इन पे क्लिक करूँगा। अब मुझे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ सबमिट करना है। वो मैं सबमिट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करूँगा तो मेरे सबमिटेड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जिसको मैं सबमिट करके अपना अकाउंट लॉगिन कर सकता हूँ। अभी मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मेरे होम पेज पर, मेरे लैंडिंग पेज पर ही आपको सबसे पहला जो सेक्शन शो हो रहा है, क्विक स्टार्ट टू योर कोर्सेज। इसमें जो भी कोर्स मैंने इनरोल कर रखे हैं वो सारे यहीं शो हो रहे हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ से किसी भी कोर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और वे है जिससे आप अपने सारे इनरोल्ड कोर्सेज को एक साथ देख भी सकते हैं और उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। आपको अगर बॉटम में माई लर्नमोल टैब शो हो रहा हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इसके अंदर आप माई कोर्सेज का आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन दिख रहा होगा जिसके अंदर आपके सारे इनरोल्ड कोर्सेज शो हो रहे हैं। तो मैं अभी सबसे पहले कोर्स पर क्लिक करके उसे स्टार्ट करता हूँ, मशीन लर्निंग फॉर बिगिनर्स यूजिंग रैपिड माइनर। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, वो कोर्स अभी स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसको सीखना शुरू कर सकता हूँ। इस पर काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी इंफॉर्मेशन हैं जिनको हम देख सकते हैं। इसके अलावा सीखते समय कोई भी डाउट आता है, कुछ भी जानकारी चाहिए हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, जिसके अंदर आप पहले से सबमिटेड डाउट्स को चेक कर सकते हैं। अगर आपका डाउट किसी ऑलरेडी सबमिटेड से मैच करता है तो आपको इंस्टेंटली आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आप नया आस्क क्वेश्चन पे क्लिक करके नया डाउट सबमिट कर सकते हैं और टीचर आपको यही रिप्लाई देंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है अपलोड टैब। अगर कोई भी फाइल, कोई भी रिक्वायर्ड फाइल टीचर को अगर इंपॉर्टेंट लगेगी तो वो आपको अपलोड सेक्शन के अंदर सबमिट कर देंगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप अपने यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें कंडीशन रहेगी, ये टोटली डिपेंड करेगा टीचर पे कि उनको अगर ये लगेगा कि ये फाइल कोई रिक्वायरमेंट है, कोई अटैचमेंट रिक्वायरमेंट है, तभी वो आपको इस टैब में अवेलेबल होगी। अदरवाइज यहाँ पे आपको कोई फाइल नहीं मिलेगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही।